गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। चैप्टर वन में है द लिविंग वर्ल्ड अर्थात सजीव जगत। सजीव जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा चैप्टर एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं कि AIPMT में या मेडिकल वगैरह में क्वेश्चन जो पूछा है पिछले 4-5 सालों का जो ट्रेंड है इस चैप्टर से, क्या ट्रेंड रहा है, क्या पूछने का पैटर्न रहा है क्वेश्चन इस चैप्टर से, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड से, सजीव जगत से 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। परसेंटेज वेटेज देखा जाए इस चैप्टर का तो 1% रहा। इसी प्रकार 2014 में 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे इस चैप्टर से, 16 मार्क्स का और 4% वेटेज रहा। इसी प्रकार 2013 में आप देख पा रहे हैं 5 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का पूछा गया, 5% वेटेज। तो मैक्सिमम 2011 से लेकर 2015 के बीच में जो क्वेश्चन की संख्या है वो 1 से लेकर 5 के बीच में रेंज किया और मार्क्स 4 से लेकर 20 के बीच में और परसेंटेज 2 से लेकर 1 से लेकर 5% का वेटेज रहा है। तो ये मान के चल सकते हैं कि इसके मेडिकल में मैक्सिमम 1 से 5 के बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन इसी बीच में रेंज करेगा इस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या, प्रश्नों की संख्या। तो चैप्टर आउटलाइन में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग, सजीव क्या होते हैं, सजीवों किसे कहेंगे, इसके इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सजीवों में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, विविधता पर हम लोग चर्चा करेंगे। सजीवों में जो विविधता पाई जाती है उस पर चर्चा करेंगे और विविधता को जानने के लिए, सही ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए और इसको सही से जानने के लिए हमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, ये 2 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से हम टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं, तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, यानी कि ऑर्गेनिज्म से जान पहचान बढ़ाते हैं, उनका नाम लिखते हैं या नाम देना देते हैं, उनको नामकरण करते हैं उनका, और साथ में नामकरण करने के साथ उन्हें ग्रुप में बांटते हैं, अलग अलग समूहों में विभाजित कर देते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर के 2 विधियाँ पढ़ेंगे, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी 2 शब्दों से नाम बाइनोमियल और 3 शब्दों का नाम ट्राइनोमियल। इसके बाद हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोन पर चर्चा करेंगे और फिर हम लोग टैक्सोनॉमिकल टूल्स और एड्स पे, टूल्स या एड्स पे चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग स्पेसिज कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। और 11th के सिलेबस में आपको टैक्सोनॉमिक टूल्स तक है, लेकिन स्पेसिज कंसेप्ट स्पेशली AIPMT के सिलेबस में है, 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग बात करेंगे मेडिकल के लिहाज से। सो व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है, लिविंग क्या है? तो सबसे पहली बात यह कि वर्ल्ड जो पूरा का पूरा ये संसार है, जगत है, वो 2 चीज़ों का बना हुआ, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब जो ऐसे वस्तुएं जिनमें लाइफ नहीं है, जो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, इनको आप नॉन लिविंग भी ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पर एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा, ये सब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं। रॉक्स, स्टोन्स, वुड तो डेड हो गया, स्टोन्स वगैरह हो गया, या फिर और भी कई ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग है, जैसे आप मान सकते हैं ब्रिक्स, तो प्लास्टिक्स, ये सब क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें लाइफ हो, जो लिविंग हो, तो हमें यही समझना है कि लिविंग होता क्या है। ये 2 तरह के कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स से वर्ल्ड बना है, तो एक तो इनएनिमेट है, लाइफलेस है, एक में लाइफ है। नाउ व्हाट इज लिविंग, दैट इज हाउ वी कंसिडर दैट देयर इज लाइफ इन द ऑब्जेक्ट और नॉट, एक वस्तु में जीवन है कि नहीं, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब भी हम क्वेश्चन कोई पूछता है या पूछा जाता है कि व्हाट इज लिविंग, तो इस क्वेश्चन में 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चन है, इसके माध्यम से 2 क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया जाता है, इसी में इनबिल्ड, इसी में समाहित 2 क्वेश्चंस हैं। लिविंग का, व्हाट इज लिविंग कहने का मतलब इन 2 क्वेश्चन, 2 तरह से इसको पूछा जाता है, एक टेक्निकल सेंस में, दूसरा फिलोसफिकल सेंस में।
टेक्निकल क्वेश्चन की बात करें तो ये टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि हाउ लिविंग डिफर्स फ्रॉम नॉन लिविंग, यानी सजीव निर्जीव से कैसे भिन्न है। व्हाट आर लिविंग्स इन कंपैरिजन टू नॉन लिविंग, यानी कि सजीव निर्जीव की तुलना में क्या है, आखिर सजीवों और निर्जीवों में अंतर क्या है, कैसे हम डिफरेंस करेंगे। हाउ वी डिस्टिंग्विश लिविंग आउट ऑफ द नॉन लिविंग, हम सजीवों को निर्जीवों से कैसे अलग करते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन ये है। और जब फिलोसफिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम पर्पस की बात करते हैं, लाइफ का उद्देश्य क्या है, लिविंग होने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। लेकिन एज अ साइंटिस्ट या एज अ साइंस स्टूडेंट हम लोगों का कंसर्न पहले क्वेश्चन से है, दूसरा क्वेश्चन फिलोसफिकल क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर देने का इंटरेस्ट में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं हुए, क्योंकि फिलोसफिकल बैकग्राउंड रिलीजियस पर्पस के लिए उपयोग होता है। और एज अ साइंटिस्ट हम फिलोसफिकल ग्राउंड को छोड़ते हुए टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, और टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि कैसे सजीव निर्जीव से भिन्न है, हाउ लिविंग आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। सो व्हाट इज लिविंग, यदि हम लिविंग के पहचानने की बात करें, सजीवों के पहचानने की बात करें, जैसे कोई अगर एनिमल है, जानवर है, तो हम उसका नाक पकड़ कर देख लेंगे श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अगर श्वास ले रहा है तो हम कहेंगे कि वो सजीव है। लेकिन पौधों में क्या हम लोग उसे भी किसी जगह को पकड़ कर पता कर पाएंगे कि रेस्पिरेशन कर रहा है, श्वसन कर रहा है, नहीं। तो कहने का मतलब है कि एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, सजीवों के पहचानने के एक क्राइटेरिया नहीं हो सकते, एक करेक्टर के द्वारा आप सजीवों को पहचान नहीं सकते। सजीवों को पहचानने के लिए और निर्जीवों से उन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी कि लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, हमें ये जानना होगा कि कुछ स्पेशल करेक्टर है, कुछ खास डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पे हम निर्जीवों को पहचानते हैं। तो लिविंग आर दोज हु पसेस सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। कुछ विशिष्ट गुण हैं, कुछ स्पेशल गुण हैं, कुछ खास गुण हैं, सर्टेन करेक्टरिस्टिक हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं, या अगर पाए भी जाते हैं तो किसी उसमें कुछ न कुछ अंतर होता है, डिफरेंस होता है, जिसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सो करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ या लिविंग बींग की बात करें तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, कुछ अदर कैरेक्टर हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशल कैरेक्टर में सबसे पहले हम स्पेशल फोर कैरेक्टर की बात करते हैं। स्पेशल फोर कैरेक्टर में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस एंड होम्योस्टेसिस होता है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय, तो कॉन्सियसनेस या होम्योस्टेसिस मतलब होता है सजगता या समस्थापन। तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है कोशिकीय संगठन एवं उसके स्तर, संगठन के स्तर। इसके बाद सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिकीय संरचना। इसके बाद अदर कैरेक्टर्स में हम देखेंगे रेस्पिरेशन यानी श्वसन, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, सेल डिविजन यानी कोशिका का विभाजन, शेप यानी आकार, स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स, उद्दीपन एवं अनुक्रिया। ये कुछ लिविंग कैरेक्टर्स हैं जो जिसमें 6 स्पेशल हैं और 5 अदर कैरेक्टर्स में आते हैं। इन पे हम लोग वन बाय वन एक एक करके चर्चा करेंगे। सो लिविंग कैरेक्टर्स के कड़ी में सबसे पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। अगर वृद्धि का कॉमन सेंस लिया जाए, लूज सेंस लिया जाए, तो वृद्धि का सामान्य अर्थ होता है इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन वेट। अगर किसी चीज के संख्या में वृद्धि हो रही है या उसके भार में वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे कि वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में वृद्धि की बात करें तो नंबर बढ़ेगा लेकिन सेल डिविजन की प्रक्रिया द्वारा। सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ रेफर्स टू, सजीवों में ग्रोथ का मतलब होता है, रेफर्स टू का मतलब होता है क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन नंबर्स बाय सेल डिवीजन, यानी कि संख्या में बढ़ना सेल डिवीजन कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा, यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा संख्या बढ़ना। सेल डिवीजन का मतलब है कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन का मतलब है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। इंक्रीज मैंने बढ़ना, नंबर मैंने संख्या, संख्या में बढ़ना।
कोशिका विभाजन प्रक्रिया द्वारा अगर जीवों की संख्या बढ़ जाए तो भी वृद्धि है। इसके अलावा अगर एक्सटर्नल या इंटरनल यानी बाहर या अंदर सेल या टिश्यू बन जाए, कोशिका या उत्तक बने, बाहर कोशिका या उत्तक बने अगर बाहर के सतह पर या शरीर के अंदर, जिसके कारण इंक्रीज इन वेट हो, मतलब कि भार बढ़े, अगर कोई जीव में क्या हो रहा है कि बाहर सतह में कुछ कोशिकाएं बन रही है या बॉडी के अंदर कोशिकाएं बन रही है या टिश्यू बन रहा है जिसके कारण उसका भार बढ़ जाता है, तो हम कहेंगे कि वृद्धि हो रहा है। सो इंक्रीज इन वेट बाय एक्सटर्नल और इंटरनल सेल और टिश्यू फॉर्मेशन। सो इन दोनों तथ्यों को देख करके हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल या इंटरनल है, यानी एक्सटर्नल यानी सरफेस फेनोमेना, इंटरनल यानी कि इंटरनल फेनोमेना। सो इन लिविंग ग्रोथ, सो इन लिविंग ग्रोथ इज एक्सटर्नल और सरफेस एज वेल एज इंटरनल फेनोमेना। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करें तो ग्रोथ क्या है, बाह्य प्रक्रिया या सरफेस सतही प्रक्रिया भी है और सतही प्रक्रिया होने के साथ साथ आंतरिक प्रक्रिया भी है, इंटरनल भी है। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब बाह्य। इंटरनल मतलब आंतरिक, सॉरी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब हो गया बाह्य और इंटरनल माने हो गया आंतरिक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वृद्धि जो है बाह्य प्रक्रिया भी है और आंतरिक प्रक्रिया भी है, मतलब ग्रोथ सरफेस पर भी होता है और ग्रोथ बॉडी में भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें, एक और चीज़ बात करें, ये हमेशा इरिवर्सिबल है, एक बार वृद्धि हो गया तो वापस नहीं होता, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय। इरिवर्सिबल का मतलब है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है जिसे वापस नहीं ले जाया जा सकता, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय है एंड अकम्पनीड विथ न्यू सेल एंड प्रोटोप्लाज फॉर्मेशन। और जब भी ग्रोथ होगा तो वहाँ नए सेल का निर्माण होगा, नई कोशिकाएं बनेगी और कोशिकाओं के अंदर का जो द्रव है प्रोटोप्लाज्म वो भी बनेगा, तो न्यू कोशिका और न्यू प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होगा। ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन नॉन लिविंग। अब एक बात ध्यान दीजिए, लिविंग के साथ साथ ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकता है। जैसे एक बड़ा सा पत्थर हमने लिया, उसको बाहर रख दिया, अभी वजन मेजर किया, उस पत्थर का वजन अगर 10 केजी था तो एक साल के अंदर हो सकता है कि 10.5 केजी आधा केजी बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगा, पत्थर के सतह पर मिट्टी के कण परत दर परत बैठेंगे और एक साल में अंदर क्या होगा, वो सट चिपक जाएंगे उसमें, तो उसका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन क्या सतह पर डिपोजिशन हुआ, यानी कि ये जो बढ़ेगा ग्रोथ होगा नॉन लिविंग में वो कैसे होगा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर सरफेस। ये ग्रोथ इसलिए होगा क्योंकि उस मटेरियल के सतह पे, उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सतह पे धीरे धीरे कुछ डिपॉजिट होता गया, मटेरियल कुछ वस्तु डिपॉजिट होते गया, जमा होते गया, और इस कारण से इसका केवल एक्सटर्नल प्रक्रिया हुआ, बाह्य प्रक्रिया हुआ, सतही प्रक्रिया हुआ, यानी कि नॉन लिविंग में ग्रोथ तो होता है लेकिन सतह की प्रक्रिया है, अंदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदरूनी भाग में ग्रोथ नहीं होता, यह हमेशा बाह्य सतह पर ग्रोथ शो करता है। तो यह अंतर है लिविंग और नॉन लिविंग के ग्रोथ में। लेकिन ग्रोथ दोनों जगह होता है यदि क्राइटेरिया ये माना जाए कि नंबर बढ़ना और वेट बढ़ना अगर ग्रोथ का क्राइटेरिया है तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ होता है, लेकिन दोनों के ग्रोथ के कंडीशंस में डिफरेंस है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है लिविंग कहने का, क्योंकि जब हम ग्रोथ कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं तो साथ साथ वी हैव टू कंसीडर द कंडीशंस इन विच ग्रोथ हैज अकर्ड। यानी अगर हम वृद्धि को क्राइटेरिया मानते हैं लिविंग कहने का, तो साथ साथ ये भी हमें मेंशन करना होगा कि वृद्धि किस परिस्थिति में हुई है, क्या वृद्धि केवल एक्सटर्नल है या एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है। अगर वृद्धि एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है तो लिविंग होगा ऑर्गेनिज्म, अगर केवल एक्सटर्नल है तो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग होगा। इस आधार पर हम ग्रोथ के द्वारा भी पहचान कर सकते हैं कि सजीव है या निर्जीव। सो दिस इज द डिफाइनिंग और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो दूसरा कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो प्रोसेस है एक जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर मोर और लेस सिमिलर टू द पैरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा मिलता जुलता, कम या अधिक मिलता जुलता अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है।
इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी एक जीव द्वारा अपने ही जैसे नए संतानों का निर्माण ही की प्रक्रिया जो है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। और रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एस रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो एक जीव द्वारा अपने जैसे नए संतानों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग मोर और लेस सिमिलर टू द पैरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन टू मोड्स। पहला एसेक्सुअल, एसेक्सुअल का हिंदी होता है लैंगिक, और दूसरा होता है अलैंगिक। माफ कीजिएगा, एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक। अलैंगिक में मुख्य रूप से एक ही पेरेंट की आवश्यकता होगी, एक ही जनक की आवश्यकता होगी, एक से अधिक जनक की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, इसमें कोई मियोसिस नहीं होगा, नो मियोसिस, कोई मियोसिस नहीं होगा। इसके अलावा जब मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट का यानी युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा, और जब युग्मक नहीं बनेंगे तो युग्मकों का फ्यूजन भी नहीं होगा, अर्थात फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। नो मियोसिस मीन्स नो गैमेट्स, नो गैमेट्स मीन नो फर्टिलाइजेशन और सिंगामी, यानी इसमें मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा। मियोसिस सेल डिवीजन किस लिए होना चाहिए? क्योंकि गैमेट बन सके। और जब मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट नहीं बनेगा, और गैमेट जब बनेगा ही नहीं तो गैमेट का फ्यूजन कैसे होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन या सिंगामी नहीं होगा। क्योंकि हम मियोसिस एक सेल डिवीजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैमेट बनता है, और गैमेट बनने की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। और यानी कि गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा, और गैमेटोजेनेसिस जब गैमेट नहीं बनेगा तो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, अर्थात फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। तो फ्यूजन यानी कि गैमेट्स का संलयन, युग्मकों का संलयन नहीं होगा, सिंगामी नहीं होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सिंगामी या फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है युग्मकों का संलयन, इसको निषेचन हिंदी में कहा जाता है। तो इसके बाद दूसरी जो प्रक्रिया है वो सेक्सुअल है। सेक्सुअल जस्ट इसके अपोजिट होगा, यहाँ मियोसिस होगा, और मियोसिस किस लिए होगा, ताकि गैमेटोजेनेसिस हो सके यानी युग्मक का निर्माण हो सके। और युग्मक का निर्माण होगा तो भाई युग्मक जब बन गया तो उसका फर्टिलाइज फ्यूजन भी होगा, संलयन भी होगा। युग्मकों का संलयन होगा तो मतलब फर्टिलाइजेशन या सिंगामी हो गया। अकर माने होता है घटित होना, होना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे चल करके छह प्रकार के मुख्य रूप से मोटा मोटी होते हैं। पहला है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है फ्रैगमेंटेशन, चौथा है रीजेनरेशन, पांचवा है स्पोरुलेशन, और छठा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या स्पोरुलेशन प्रोसेस द्वारा हो सकता है। बाइनरी फ्यूजन को हम द्विविभाजन कहते हैं हिंदी में, बडिंग को नवोदित जनन या नवोदन भी कह सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन को विखंडन कहते हैं, रीजेनरेशन का पुनर्जनन कहा जाता है या पुनरुत्पादन भी कहा जाता है, पुनरुद्बोधन भी कह सकते हैं, स्पोरुलेशन को बीजाणु जनन कहते हैं, स्पोरुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बीजाणु जनन इन हिंदी, हिंदी में इसको बीजाणु जनन कहेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। इन सब चीज के बारे में हम लोग एक एक करके अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर भी इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।